मैं आज से सपने में नहीं देख रहा हूँ उनको, कम से कम 6 महीने से देख रहा हूँ। डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा करके एम्बुलेंस में रखवा देना या फिर आज मुझे मिला देना। देश के प्रधानमंत्री वो बने। गूगल पर डाल लो आप योगी जी का सबसे बड़ा फैन, अभी पता चल जाएगा। यूपी चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर आ रहे हैं और इस वक्त उत्तराखंड में उनके आने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी उनके समर्थकों को, उनके फैंस को मिली कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, उन्होंने भी उत्तराखंड का रुख किया है। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो ये दावा करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े फैन हैं। आप देखिए, इन्होंने अपने सीने पर योगी आदित्यनाथ का जो टैटू है वो बनवा रखा है और उनकी ये इच्छा है कि आज जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे तो वो उनसे मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों से भी ये लगातार मिलते रहे। आपने ये टैटू सीने पे क्यों बनवा लिया? सीने पे ऐसा है कि मैं आज से सपने में नहीं देख रहा हूँ उनको, कम से कम 6 महीने से देख रहा हूँ। मैंने मैसेज भी डाला था कि मेरे को मिलवाओ मीडिया वालों से, तो महाराज जी भी सोच रहे होंगे कि ये बच्चा तड़प रहा है, ये हो सकता साजिश हो किसी की। फिर मैंने घर वालों को भी बोला, घर वालों से भी बातें हुई, घर वाले बड़े खुश हुए कि महाराज जी का सच्चा भक्त है, तो ओलोले वो मेरे से बात करते रहे। मथुरा से कब चले यहाँ आने के लिए? मैं चला था, कल जीजी के पास रुका था घर पे, खाना वाना भी साथ खाया था, फूफा जी भी थे और उनके जो साथ में थे नाते रिश्तेदार जो हम थे सब थे ऐसे ही। और परसों चला था मैं रात को 12:30 बजे। मेरा एक ही इच्छा थी कि मैं मिलके ही जाऊंगा। मैंने एक शब्द बोला था बुआ से, या तो बुआ डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा करके एम्बुलेंस में रखवा देना या फिर आज मुझे मिला देना। बुआ बोली चुप रह, तो गांव पहुंच 3 तारीख को तुझे मिलाऊंगी। मैंने बोला कि मैं बुआ बस दो चीजें पा रहा हूं, मिलना है, चलो जा। भावनात्मक लगाव है और उनका ये कहना है कि आज वो योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। कुछ आपने उनके लिए लिखा भी है, योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कविताएं लिखे हैं, कुछ शेर लिखे हैं, क्या लिखा है आपने? देखो, मैंने इसमें लिखा तो बहुत कुछ है और मैं देश का प्रधानमंत्री बनना उनको बनाना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री वो बने। और माफियाओं पर बिल्डोजर चल रहा है, फिर जिस दिन मुझे तो एक ही उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जब वो लाल किले से ना पूरे देश को संबोधित करेंगे, उस दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। और ये चीज़ मैंने उनको लिखा है और जैसे मेरी मुलाकात जीजिन से, जैसे मेरे पास जीजी आएंगी तो बोलेंगी महाराज जी आपका सबसे बड़ा भक्त है। बुआ जी बोल रही थी कि मैंने कुछ महाराज जी गलत समझे तो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कहेंगे सबको मिलाएंगे तो आज बुलवाएंगे, हाथ पकड़ के ले चलेंगे। जब अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में बुआ ने उतारा था मेरे को, तुम यहाँ पर। परिवार के लोगों ने इनसे कहा है कि आज इनकी मुलाकात जो है वो योगी आदित्यनाथ से कराई जाएगी और इनकी एक ही इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ जो है राजनीति में और उच्च स्थान हासिल करें और इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जहां भी योगी आदित्यनाथ की रैली होती है वहां पर जाते हैं और इनका खुद का मानना है कि ये योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े फैन हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।